नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। फिरोजाबाद के थाना उत्तर की सुभाष सराहे पर एक वृद्ध की मौत हो गई। परिजन वृद्ध को सरकारी ट्रॉमा सेंटर में ले गए, जहां ऑक्सीजन की कमी बताकर उसे दूसरी जगह इलाज के लिए ले जाने को कहा गया। फिरोजाबाद की सड़क पर ये पड़ी लाश एक वृद्ध की है। परिजनों की माने तो 70 वर्षीय रणवीर सिंह को बीमारी के चलते सरकारी ट्रॉमा सेंटर लाया गया था, जहां स्टाफ ने ऑक्सीजन की कमी की दुहाई देकर वहां से उन्हें वापस भेज दिया। तीमारदार अपने मरीज को लेकर लगातार चक्कर लगाते रहे। इसी दौरान रणवीर सिंह ने सुभाष सराहे स्थित सड़क पर ही दम तोड़ दिया। घटना ने एक बार फिर से सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी है और कोरोना काल में सब संभव हो सकता है, ऐसा नजर आ रहा है। बिजनौर में कोविड मरीजों के इलाज के लिए जिला अस्पताल में कोविड वार्ड भी है, ऑक्सीजन भी है, वेंटिलेटर भी है, लेकिन उनको चलाने वाला स्टाफ नहीं है। हैरानी होती है ऐसे सिस्टम पर, जहां सीएमओ विजय कुमार यादव ने वेंटिलेटर लाखों रुपए की कीमत से खरीदे, लेकिन ये 24 वेंटिलेटर धूल फांकते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले साल कोविड से बचाव के लिए वेंटिलेटर खरीदे तो गए, लेकिन कभी चल ना सके। ऐसा नहीं है कि बिजनौर में कोरोना पेशेंट्स कम हो, इस समय 3000 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 72 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि हकीकत कुछ और ही बयां करती नजर आ रही है। अधिकांश मरीजों को मुरादाबाद या मेरठ रेफर कर दिया जाता है। सवाल ये उठता है, जब सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो स्टाफ की कमी का रोना क्यों रोया जा रहा है? ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला संयुक्त चिकित्सालय बिजनौर का जिला अस्पताल, जहाँ पर पिछले साल कोविड-19 वार्ड में 24 वेंटिलेटर खरीदे गए थे, जबकि 10 वेंटिलेटर मुरादाबाद सीएमओ को मुहैया कराए गए थे, जबकि एनएसएच यानी नेशनल सॉर्टिंग हब की टीम ना होने की वजह से वेंटिलेटर इस्तेमाल किए ही नहीं गए, जिसकी वजह से वेंटिलेटर मशीन अब सिर्फ धूल फांकती हुई नजर आ रही है। बिजनौर के जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर ज्ञानचंद ने जब इन वेंटिलेटरों के बारे में जानकारी ली गई, तो साहब ने बताया कि पिछले साल कुछ 24 वेंटिलेटर खरीदे गए थे, 10 वेंटिलेटर कोविड वार्ड में रखे गए हैं, लेकिन स्टाफ नहीं होने की वजह से ये चलते नहीं हैं। 10 वेंटिलेटर आज ही मुरादाबाद सीएमओ को भेजे गए, 4 और स्टोर में रखे गए हैं। वेंटिलेटर को चलाने के लिए स्टाफ नहीं है, इसलिए किसी प्राइवेट डॉक्टर से उनको चलवाने की बात लगातार कही जा रही है। बिजनौर से नईम अहमद, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। वेंटिलेटर्स हमारे पास गत वर्ष आए थे, 24 वेंटिलेटर्स उपलब्ध हुए थे हमें जी। और अब मतलब कितने जिला अस्पताल में यहाँ पे इस टाइम मौजूद है? उन 24 में से 10 वेंटिलेटर स्थापित हैं और 14 अलग रखे हुए हैं। उन 14 में से 10 वेंटिलेटर आज सीएमओ मुरादाबाद के लिए भेज दिए गए हैं। सर, उन्हें ऑपरेट किस तरह से किया जा रहा है, कोई टीम है या कैसे? ऑपरेट करने के लिए उन्हें पूरी टीम होनी चाहिए, ट्रेंड टीम होनी चाहिए। उसके लिए एनेस्थेटिस्ट की आवश्यकता होती है, हमारे पास एनेस्थेटिस्ट कोई नहीं है। एक एनेस्थेटिस्ट है जो कि फीमेल हॉस्पिटल में है, वही हमारे यूटी का भी काम देखते हैं जी। और अभी सीएमओ साहब ने कुछ व्यवस्था की है, डॉक्टर अवधेश वशिष्ठ हैं जो चेस्ट फिजिशियन हैं, उनको यहाँ पे लगाया है, वो शायद हमारी हेल्प करेंगे कुछ। आज पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की महामारी के बीच लोग दम तोड़ रहे हैं। इसी त्रासदी का शिकार हुए एक नौजवान ने लखीमपुर में दम तोड़ दिया। अपने परिवार की चिराग को बचाने के लिए परिजन अस्पताल से अस्पताल चक्कर लगाते रहे, लेकिन कहीं ऑक्सीजन नहीं मिली और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिवार ने एक खास मुहिम चलाई है, जिससे हजारों लोगों की मदद हो पा रही है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की महामारी के बीच लोग दम तोड़ रहे हैं। इसी त्रासदी का शिकार हुए एक नौजवान ने लखीमपुरी में दम तोड़ दिया। अपने परिवार की चिराग को बचाने के लिए परिजन अस्पताल से अस्पताल लगातार चक्कर लगाते रहे, लेकिन कहीं ऑक्सीजन नहीं मिली। अपने परिवार की चिराग को खो चुके अब इस परिवार ने लखीमपुर के ऑक्सीजन से तड़पते हुए लोगों को राहत देने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड से सबसे शुरुआती दौर तो हमारा जो 24 तारीख को हमारे भतीजे उम्र 38 साल थी, उसकी तबीयत खराब हुई, हम लोग अस्पताल लेके भागे, जो वहाँ हर डॉक्टर ने कहा ऑक्सीजन नहीं है। उस दिन हमको ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई, रात में ऑक्सीजन पूर्ति कर पाए, सुबह उसकी डेथ हो गई। उस सुबह जब डेथ हुई तो हम लोग एक ही संकल्प लिए हैं कि हमारे परिवार का सदस्य चला गया, मगर हम किसी परिवार के और सदस्यों को हम नहीं जाने देंगे, तो हम अपनी तरफ से जितना कोशिश करेंगे, जितनी ऑक्सीजन हम अपनी तरफ से सप्लाई कर पाएंगे सप्लाई करेंगे।
में जिसको आवश्यकता है उसको फ्री सिलेंडर वितरण करवा रहे हैं। किल्लत बड़ी सिलेंडर की थी, जब बच्चे वाली हमारी दिक्कत आई थी तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि सिलेंडर फ्री बैठा। कितने सिलेंडर लगभग 150 के करीब पहुँचे थे। घटना लखीमपुर के जिला पंचायत सदस्य मिथिलेश उर्फ गलहर सिंह के घर की है, जहां उनके बेटे मनोज सिंह की 24 अप्रैल को मौत हो गई थी। मौत के बाद पूरा परिवार अब शहर के जरूरतमंदों को निशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहा है। इस परिवार की इस पहल पर लोग उन्हें जहां दुआएं देते नजर आ रहे हैं, वहीं उनकी चारों तरफ प्रशंसा भी होती हुई नजर आ रही है। लखीमपुर खीरी से गौरव गुप्ता, न्यूज़ वन इंडिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।